हेलो एवरीवन, दिस इज पलक शर्मा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस से 1 मार्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो आपसे इस वाले क्वेश्चन में बोला है सिंप्लीफाई दिस। आपको इस पूरे इक्वेशन को करना है सिंप्लीफाई। वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग कॉस थीटा को लेके जाएंगे। यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट चेक हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट किस तरीके से चेक हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उसकी हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। इस चीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप लोग कॉस थीटा की मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स के साथ में, तो कॉस थीटा की आप लोग हर एलिमेंट के साथ में एक एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली आप लोग साइन थीटा की भी हर एक बार एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को एडिशन में ले आएंगे। इन दोनों मैट्रिक्स का हम लोग कर लेंगे एडिशन। जो भी आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग साथ साथ में ऐड करते चलेंगे। यहाँ पर आप लोग जब इन्हें ऐड कर लेंगे, आपको यहाँ पर आइडेंटिटी दिखने लगेगी, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। आप उसको पुट करेंगे तो आपके पास में कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स बनती हुई दिखाई देगी। ये हमारी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ऐसे और अमेजिंग क्वेश्चंस को देखने के लिए आप चैनल के शॉर्ट्स को विजिट कर सकते हैं। चैनल पर आप लोगों को सारे 1 मार्क के क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चंस 1 मार्क के इंपॉर्टेंट है वो सब कराए जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे आप लोगों को कोई भी लेक्चर मिस ना हो। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को चैनल से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने सारे दोस्तों को शेयर भी करिएगा, जिससे उन्हें भी सारा फायदा मिल सके चैनल का। टिल देन, बाय बाय।